पानी की बोतल है ये 500 ml की और प्राइस है इसका 2 यूरो, लगभग लगभग 180 रुपये की। मेरे इस्तांबुल के एक लंबे से लेओवर जो 19 घंटे का लेओवर था उसमें से लास्ट के मेरे 2 घंटे बच रहे हैं अभी, और इन 19 घंटों में से 10-11 घंटे तो मैं सोया हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट पे, और अभी मेरे को थोड़ी सी लग रही है भूख, मैं वहीं जाऊँगा फूड कोर्ट में और वहाँ पे कुछ खाने के लिए लूँगा, और उसके बाद अपने फ्लाइट का जो मेरा शेड्यूल है एक बार उसके बारे में मैं जान लूँगा, क्योंकि मुझे काउंटर से बोला गया था कि आपकी फ़्लाइट का एक्सपेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी सुबह 5:05 पे, तो एक बार चेक करते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये ओपन वेटिंग एरिया है, यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे आके यहाँ बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, चाहे आपका कितना भी लंबा लेवर क्यों ना हो। बाकी इस वाली साइड पे ऊपर VIP लॉन्च और यूथ लॉन्च है, आप वहाँ पे जाके अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं तो आप उन लॉन्च का यूज़ कर सकते हैं। इस वाले वेटिंग एरिया पे मैं था अभी पिछले 8-10 घंटे से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग मज़े से यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, हालांकि एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास यहाँ पे TV भी लगा रहता है, बाकी कुछ बुक्स वगैरह भी है, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो आप उस पर भी अपना टाइम जो है वो किल कर सकते हैं। एक और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अगर आपका लेओवर लंबा है लाइक 5 आवर्स से ज़्यादा है, तो उसमें आपको मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस क्या करती हैं, आपको फूड प्रोवाइड करती हैं। मुझे इतना पता था कि अगर आपका लंबा लेओवर है तो आपको एयरलाइन जो है वो फूड प्रोवाइड करती है, बट एक चीज़ मुझे अभी कन्फर्म हुई है कि हर 5 घंटे के बाद अगर आप यहाँ पे कुछ भी जो इनके फूड कोर्ट में 6-7 जो इनके यहाँ पे एसोसिएट्स हैं, आप वहाँ से जाके हर 5 घंटे के बाद आप खाना ले सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए, और वेज नॉन वेज दोनों के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वेज में ऑप्शंस कम रहेंगे, अगर आप बीफ या नॉन वेज लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। मुझे स्टार्टिंग में जो दिक्कत आई थी वो थी जब मेरा लेओवर स्टार्ट हुआ था, तो मैंने 1 घंटे का जो फ्री इंटरनेट एक्सेस था उसे तो मैंने आते ही यूटिलाइज कर लिया था, क्योंकि मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को बताना था कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। उसके बाद एक्सेस नहीं मिल रहा था यहाँ पे, तो फिर मुझे पता चला कि अगर आपकी फ़्लाइट, अगर आपकी टिकट आपके पास है, आपका बोर्डिंग पास आपके पास है, तो आप उस बोर्डिंग पास पे जो आपका सीट नंबर है और जो फ़्लाइट नंबर है आप उसको डाल के जब तक आपकी फ़्लाइट चलती लाइक 24 आवर्स के बीच में, चाहे 19 घंटे का लेवर है चाहे 18 घंटे का है, तो उसमें आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। तो मेरे को भी फ्री एक्सेस मिला हुआ है जब तक मेरी फ़्लाइट चलती, तो अभी थोड़ा सा करते हैं कुछ इंटरनेट का इस्तेमाल। एग्जैक्ट 30 मिनट्स पहले मैं यहाँ पर आया था और इतना रश था नहीं यहाँ पर, अब एकदम से ये C3 का गेट है और यहाँ पे जल्दी ही बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो फाइनली अब टाइम आ गया है कि मुझे इस्तांबुल का एयरपोर्ट जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ। मेरी अनाउंसमेंट जो है मेरी फ़्लाइट की हो चुकी है,
और फ्लाइट के लिए बोर्डिंग जो है वो विद इन 10 मिनट स्टार्ट हो जाएगी। तो इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे बिताए हुए मेरे लगभग 18-19 घंटे, इन 18-19 घंटों में बहुत सारे लोगों से मैं मिला, खास करके टर्की के लोगों, जो लोकल लोग थे यहाँ पे। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड, क्योंकि अब मेरी फ़्लाइट की जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो 35 मिनट्स बचे मेरी फ़्लाइट को और 20 मिनट्स पहले वो बोर्डिंग उन्होंने बोल दिया क्लोज कर देंगे। तो बहुत लंबी क्यू तो नहीं लगी जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरी लगी थी फ़्लाइट के लिए, बट यहाँ पर तो इतना रश नहीं है। तो अब मेरी मुलाकात आपसे सीधा होगी जाके बुडापेस्ट में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इसके बाद मैं सीधा आपको शेयर करूँगा अपनी बुडापेस्ट की जर्नी के बहुत सारे ढेरों एक्सपीरियंस।